हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गार्लिक नान की ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। देखिए ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है ना, तो आप भी इसे आसानी से घर में बना सकते हैं बिना कोई ओवन और तंदूर के। इस रेसिपी में मैंने यीस्ट या अंडा का इस्तेमाल नहीं किया है। जनरली नान में अंडा या यीस्ट पड़ता है ताकि वो सॉफ्ट बने, पर मैंने इसमें अंडा और यीस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है और इसे मैंने तवे पर बनाया है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं कि ये कैसे बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गार्लिक नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सिंग बोल, उसमें मैं डाल दूंगी मैदा। तो यहाँ पर मैं 2 कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं ऐड कर दूंगी इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, और इसका स्वाद थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी छोटी चम्मच गार्लिक का पेस्ट। मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी ताकि गार्लिक का जो फ्लेवर है वो हमारे इस आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इवनली। तो ये देखिए ये मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप दही ऐड कर रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे। पहले हम दही को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करके इसका एक डो गूंथेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक नरम आटा गूंथूंगी। तो आप एक बार में ज़्यादा पानी ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही इसका एक आटा गूंथे। तो ये देखिए मैंने इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 1 चम्मच तेल। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और इसे हम एक बार इस तरह से मसल लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने मसल के रेडी कर लिया है और अब मैं इसे ढक कर लगभग 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद ही हम इसका नान बनाएंगे। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और अब हम अपने डो को चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा डो कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। और अब हम इसके इक्वल साइज़ की लोई काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी लोई को तैयार कर लिया है और अब मैं एक लोई को लेकर इसे इस तरह से हथेली में डालकर इसे राउंड कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, इसी तरह से हम बाकी की लोई को भी तैयार कर लेंगे। और अब मैं एक लोई लूँगी, उसे इस तरह से पहले राउंड कर लूँगी और उसे मैं सूखे मैदे में इस तरह से डस्ट करते हुए इसे हल्का सा दबा देंगे और फिर बेलन की सहायता से इसे हम बेल लेंगे। आप चाहे तो इसे लंबा बेले, ओवल बेले, आपको जो शेप में चाहिए वो शेप में आप इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए ये राउंड बन गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन। मेरे पास बड़े बड़े शेप्स के लहसुन थे इसीलिए मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास छोटी सेब के लहसुन है तो आप उसे बारीक काट कर इसके ऊपर डाल दें। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता इसके ऊपर इस तरह से डाल दें। और लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कलौंजी, तो इस तरह से स्प्रिंकल कर लें। और अब मैं इसे थोड़ा सा बेल लूंगी ताकि जो भी चीज हमने इसके ऊपर डाली है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब मैं इसे सावधानी से उठा लूंगी, इसे इस तरह से उठाकर हाथ पर डाल लें। उसके बाद मैं इसके ऊपर पानी लगा लूँगी। तो पानी जो है हमें सारे एजेस और किनारों में अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये तवे पर अच्छी तरह से चिपक जाए। मैंने यहाँ पर एक तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने लोहे का तवा का ही इस्तेमाल किया है। आप जब कभी भी नान बनाएं तो आप इसमें लोहे का तवा का ही इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक तवा का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें नान नहीं चिपकता है। और अब मैं इस गार्लिक नान को इस तवे के ऊपर डाल दूंगी। तो जिस तरफ से पानी लगा हुआ है उसी तरफ से हम इसे तवे पर डालेंगे और फ्लेम हाई रखेंगे। और ये देखिए इसमें बबल्स कितने अच्छे आ रहे हैं, ये देखिए। और अब हम इस तवे को इस तरह से पलट देंगे और इसे हम इस तरह से सेक लेंगे। हमें इसे तब तक सेकना है जब तक हमारे बबल्स पर ब्राउन क्रस्ट ना आ जाए। तो ये देखिए हमारे बबल्स पर ब्राउन क्रस्ट आ गए हैं। और अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी बटर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बटर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस में हम बाकी के गार्लिक नान को भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल गार्लिक नान। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।